और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली है, जिसे कांग्रेस ने चलो राजभवन का नाम दिया है। इस अभियान में जेपीसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इसकी अगुवाई करेंगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सुबह 11 बजे राजभवन तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे और कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल होंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की गठन की मांग की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा सत्र में भी, लोकसभा सत्र में भी ये मांग उठी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त जोरों शोरों से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, जेपीसी की मांग की थी। और एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हल्ला बोल करने वाली है। चलो राजभवन अभियान का कांग्रेस ने इसे नाम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है और प्रदेश में भी अब इसको लेकर आवाज ऊंची करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और बात एक और अहम खबर की, शिमला में भाजपा की जन आक्रोश रैली आज देखने को मिलेगी। नाथ से डीसी ऑफिस तक ये रैली निकाली जाएगी। सीटीओ चौक पर नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को वहां पर संबोधित किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन जाएगा। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ लगातार भाजपा मुखर है। अलग अलग जगहों पर जन आक्रोश रैलियां कर रही है और आज की रैली राजधानी शिमला में होने वाली है, जहां सीटीओ चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस जन आक्रोश रैली को ज्वाइन करेंगे। जनता को वहां पर संबोधित किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन यहां पर सौंपा जाएगा। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ लगातार भाजपा ये जन आक्रोश रैलियां कर रही है। शुरुआत इसकी देवभूमि कुल्लू से हुई थी, उसके बाद देहरा, बिलासपुर और आज ये रैली शिमला में होने वाली है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, आज ये कहा जाए कि रैलियों का सोमवार है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी चलो राजभवन अभियान आज चलाने वाली है और दूसरी तरफ भाजपा की जन आक्रोश रैली भी देखने को मिलेगी, तो पूरा शिमला शहर आज नारों से गुंजायमान होगा। रणबीर जी, हाँ बिल्कुल, आज ये रैलियों का सोमवार है और हिमाचल में रैलियों के सोमवार का केंद्र जो है राजधानी शिमला रहेगी और राजभवन इसमें जो है मुख्य भूमिका में रहने वाला है, क्योंकि जो जन आक्रोश है भाजपा का, जिसे भाजपा ने नाम दिया, ये जन आक्रोश रैली है। कांग्रेस ये कह रही है कि किस तरह से पूंजीपति मित्रों की मदद जो है मोदी सरकार कर रही है, तो दोनों दल, पहले कांग्रेस इकट्ठा होगा जो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा, फिर वो राजभवन जाएंगे, राजभवन में ज्ञापन देंगे और उसके बाद शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है कि भाजपा के नेता वहां पर राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। देखिए, कांग्रेस के जहां तक प्रदर्शन की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल कॉल है, पूरे देश में आज जो है कांग्रेस इसी तरह का हल्ला बोल रही है और इसमें जो सभी विधायक है उनको शामिल होने के लिए पूर्व विधायकों को कहा गया है, जो कांग्रेस के आला नेता है उनको जो है निर्देश दिए गए हैं और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उन सभी के जो प्रमुख नेता हैं उनको राजभवन बुलाया गया है। देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उसके बाद ये इस बात का खुलासा हुआ है कि केवल एक पूंजीपति मित्र के लिए मोदी सरकार जो है काम कर रही है। उसमें सबसे अहम जो बात कांग्रेस ये कह रही है कि उसमें SBI और LICI का हजारों हजार करोड़ रुपए वो एक ही पूंजीपति मित्र को दिया गया है और अब कांग्रेस ये कह रही है कि खतरा ये है कि जिस तरह से जो है गिरावट चल रही है बाजार में, ऐसी आशंका है कि इन दोनों संस्थानों में SBI और LIC में आम जनता का पैसा लगा हुआ है, तो आम जनता का पैसा इसमें डूब सकता है। जिस तरह से संसद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा था, JPC की मांग लगातार की थी, उसको जो है अनसुना किया गया, अब इस तरह से सड़कों पर उतरकर कांग्रेस जो है दबाव बनाना चाहती है केंद्र सरकार पर कि ये JPC की जो मांग है वो है, उस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम हिमाचल में विपक्ष की बात करें, इस वक्त विपक्ष में भाजपा है, तो लगातार
पिछला एक महीना हमने देखा हस्ताक्षर अभियान से शुरू करे और उसके बाद जगह जगह रैलियां देखे, तो भाजपा लगातार जो है धरने प्रदर्शन कर रही है। आज ये समय रखा गया है करीब 1 बजे यहाँ जो शिमला का मॉल रोड है, जो नाथ चौक है, वहां से लोअर बाजार होते हुए सीटीओ तक जो एक जनाक्रोश रैली की जाएगी और वहां पर तमाम सारे नेता उस जनाक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है शाम 4 बजे का वक्त जो है राज्यपाल से मांगा गया है, वहां पर ज्ञापन जाएगा। और यहाँ पर भाजपा लगातार ये कह रही है कि जनहित के लिए जो फैसले किए थे जयराम सरकार ने, जो संस्थान खोले थे उन्हें बंद कर दिया गया, और जबकि सुखू सरकार ये कह रही है कि केवल जो जरूरी संस्थान है उन्हें जो है बहाल किया जाएगा, और जो राजनीतिक आधार पर जो फैसले किए गए थे, राजनीतिक आधार पर जो संस्थान खोले गए थे उनको बंद किया जा रहा है। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, लगातार भाजपा तो ये जन आक्रोश रैली कर ही रही है और एक तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भाजपा की है और यही आगे आने वाले बजट सत्र में भी दिखे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने LIC के दफ्तरों के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, फिर संसद सत्र में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने JPC के गठन की मांग उठाई थी और अभी उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी भी मुखर नजर आ रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मसले पर। रणबीर, आप नजर बना के रखिए, आज जिस तरीके का माहौल राजधानी में रहने वाला है, जुड़ेंगे आपसे, हम जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल होंगे, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इसमें शामिल होंगे, CPS मोहन ब्राक्टा बैठक में हिस्सा लेंगे। स्पीकर के चैम्बर में ये बैठक होनी है और अपने आप में ये बैठक काफी अहम है क्योंकि सुखू सरकार का ये पहला बजट सत्र है और उसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विधायकों को, नेताओं को देंगे, जहां संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे, वहीं CPS मोहन ब्राक्टा इस बैठक में शामिल होंगे। स्पीकर के चैम्बर में ये बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुलदीप पठानिया ने तमाम जानकारियां दी थी, किस सत्र चलेगा, किस तारीख को बजट पेश होगा और किस तारीख को पास किया जाएगा। और अब सर्वदलीय ये बैठक है, तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। विधानसभा का बजट सत्र किस तरीके से चलाना है इसको लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। तो 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ये अहम बैठक, लेकिन इस बीच बात एक बड़ी खबर की, भाजपा की सभी की आज बैठक शिमला में होने वाली है। BJP विधायक दल की यह बैठक है, नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा के बजट सत्र में किस तरीके से रणनीति बनानी है इसको लेकर चर्चा होगी। विली पार्क में शाम 7 बजे यह बैठक होगी। आगे आने वाले शिमला नगर निगम चुनावों में किस तरीके से भाजपा रणनीति बनाएगी, संभवतः तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक अपने आप में काफी अहम रहेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 12 बजे ये बैठक बुलाई है। स्पीकर के चैम्बर में ये बैठक होनी है जिसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान शिरकत करेंगे, CPS मोहन ब्राक्टा इसमें शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि 14 मार्च से ये बजट सत्र शुरू हो रहा है, सुखू सरकार का पहला सत्र है, अपने आप में काफी अहम। सीधे रुक करेंगे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं रणबीर। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां कुलदीप पठानिया साझा कर चुके हैं, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक है, किस तरीके से ये बैठक रहेगी, क्या मुख्य एजेंडा है इस बैठक का, रणबीर?
जी हाँ, देखिए एक तरह की रिवायत रहती है, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो किसी भी सत्र विधानसभा के सत्र को से शुरू होने से पहले एक दो दिन पहले इस तरह की बैठक करते हैं जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेताओं को बुलाया जाता है। उसमें जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले, तरह का जो कोई व्यवधान ना हो, कोई अनैतिक बात ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सभी दलों से सहयोग स्पीकर मांगते हैं। और जहां तक इस बैठक की बात करें, दोपहर 12 बजे ये बैठक निर्धारित हुई है जिसमें विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसमें मौजूद रहेंगे और राज्य सरकार की तरफ से, जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं वो इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से मौजूद रहते हैं, तो हर्षवर्धन सिंह चौहान इसमें मौजूद रहेंगे और जो सीपीएसएम मोहनलाल ब्राक्टा वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। कुछ और नेताओं के भी, कुछ विधायकों के भी आने इसमें जो है उम्मीद है। देखिए होता तो यही है कि बात सहयोग करने की कही जाती है, लेकिन विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ होती है। विपक्ष ने अपना एजेंडा जो है वो तय कर लिया कि किस तरह से इस विधानसभा सत्र में उनका रुख रहने वाला है, लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है, एक रिवायत है स्पीकर की तरफ से, सरकार की भी जो है सहयोग मांगती है, क्योंकि एक जो सत्ता पक्ष होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो विपक्ष को जो है संतुष्ट कर सके, सदन के भीतर जो सवाल उठाए जाए उनके जवाबों से विपक्ष को जो है संतुष्ट करवाए, तो एक तरह की रिवायत है। और इसमें क्या कुछ वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से भाजपा के तेवर है उससे लगता नहीं है कि इस सर्वदलीय बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम निकलने वाला है। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से भाजपा इस वक्त तमाम मुद्दों पर मुखर नजर आ रही है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर हो सकता है बजट सत्र में इसको लेकर देखने को मिले। रणबीर बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस तैयार हो गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, शाम 7 बजे पीटर हॉफ में यह बैठक होनी है। सीएम सुखू इस बैठक की करेंगे, विधानसभा सत्र को लेकर इसमें रणनीति खास तौर पर बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां कांग्रेस बजट सत्र को लेकर अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। आज शाम 7 बजे पीटर हॉफ में यह बैठक बुलाई गई है, कांग्रेस के तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे और सीएम सुखू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। आपको बता दें 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 29 मार्च को बजट पास होना है और इसी को लेकर रणनीति कांग्रेस पार्टी आज बनाने जा रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे और अहम खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद बात एक बड़ी खबर की, लाहौर से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने अपनी ही सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने भी ये मामला उन्होंने उठाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लिखे पत्र में रवि ठाकुर ने कहा है कि लाहौल स्पीति से 3 एसडीएम, डीएफओ, बीडीओ, 2 तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बिना रिलीवर के ही बदल दिया गया है। पूर्व में जब वीरभद्र सरकार थी तो बिना रिलीवर के किसी भी अधिकारी को नहीं बदला जाता था, अधिकारियों के बदलने में उनकी भी सहमति नहीं ली गई। सूत्रों के अनुसार 3 बार मुख्यमंत्री से उन्होंने ये मामला उठाया, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन 2 महीने से ये पद खाली पड़े हुए हैं, केवल 1 डीएफओ की ही तैनाती की गई है। रवि ठाकुर के इस पत्र से कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, और रवि ठाकुर 2-3 बार सीएम सुक्खू के सामने ये मामला उठा चुके हैं लेकिन 2 महीने के बाद भी कई खाली पड़े पदों पर किसी की तैनाती नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने प्रतिभा सिंह को ये एक ओपन लेटर भी लिखा है जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने एक तरीके से शिकायत की है कि उनकी अनुमति के बिना, उनसे डिस्कस किए बिना उनके इलाके में तैनातियां की जा रही है और पॉलिसी के अनुसार जब तक एक खाली स्थान को भरने के लिए रिलीवर नहीं आता तब तक दूसरे की तैनाती नहीं की जाती। इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने इस पत्र के जरिए लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी इस पत्र में किया है कि जब पूर्व में वीरभद्र की सरकार होती थी तो बिना रिलीवर के, बिना स्थानीय विधायकों के डिस्कशन के, उनके सलाह मशवरे के बिना उनके इलाके में तैनातियां नहीं की जाती थी। और इसी से अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं
कि क्या सुखू सरकार में उनके विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने को मजबूर है। प्रदेश अध्यक्ष को अब ये पत्र रवि ठाकुर ने लिखा है लाहौल स्पीति से। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तीनों SDM चुनाव होने के बाद ही उठा दिए गए थे हमारे, उदयपुर एक्शन, उदयपुर SDM, केलोंग SDM और काजा SDM, और इसी के साथ DFO को भी उठा दिया था। BDO की जगह भी अभी रिक्त पड़ी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को 3-4 बार आवेदन दिया है और उनका 4-5 बार फोन भी आया था कि अभी हम पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, मगर अभी तक तीनों पोस्टें SDMs की लाहौल स्पीति में खाली है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसी तरह से हमारे नायब तहसीलदार की भी पोस्ट खाली हो गई है वहाँ पर। तो लोगों कोई सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, इमीडिएटली नौकरी में जाना है ज्वाइन करने, तो उनके पूरे जीवन का सवाल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि 3 महीने हो रहे हैं सरकार को बन के और लोगों में थोड़ा हॉस्टाइल, दे आर टर्निंग हॉस्टाइल और तरह तरह मची हुई है। और अभी BDO के माध्यम से ही सारे हमारे डेवलपमेंट वर्क्स होने हैं, तो जल्द से जल्द नया BDO पोस्ट किया जाए, तीनों SDM पोस्ट किए जाए और जो हमने ये एक्शन है वो भी रेगुलर लगाया जाए काजा के अंदर। तो ये सारा मैं डिमांड करता हूँ। और कुछ ऐसे भी हमारे कांग्रेस पार्टी की अभी सरकार बनी है, नहीं उनसे आवेदन आए थे, पिछली सरकार में कुछ लोगों ने करप्शन भी करी है और कार्य सुचारू रूप से नहीं किया है, तो वो भी आवेदन दिए हैं कुछ हमने कि इनको भी बदला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो भी अभी नहीं हुआ है। खासतौर से कुछ ऐसे महकमे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है मामला, तो उसमें भी ये आगे बढ़ेंगे। कुल्लू के मणिकरण घाटी में 5 मार्च को हुई हिंसक घटना के मामले में जांच के लिए एक टीम पहुंची, जिसमें DIG मंडी मधुसूदन, SP कुल्लू साक्षी वर्मा, कमांडेंट 3rd बटालियन पंडोब भगत सिंह ठाकुर शामिल हैं। इन लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रत्यक्ष दर्शियों से पूछताछ भी की। टीम ने मणिकरण में गुरुद्वारा सिंह साहिब प्रबंध सदस्यों और स्थानीय लोगों से भी घटना को लेकर जानकारी ली। आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट में प्रशासन और सरकार से इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट आज जमा करनी है। जांच के दौरान पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज से लोगों की पहचान कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। और इस बीच नाहन से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, कांग्रेस नेता कपिल गर्ग पर जानलेवा हमला हुआ है। पिस्टल और डंडों से लैस बदमाशों ने इस हमले को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूटे। हमले में कपिल गर्ग को कई चोटें आई हैं। कांग्रेस नेता ने लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस को कहा है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। काला अंब थाना विधायक का अजय सोलंकी पहुंचे, SP सिरमौर रमन कुमार मीणा ने इस मामले की पुष्टि की है। तो कांग्रेस नेता के ऊपर यह जानलेवा हमला हुआ है, उनके पास से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। कांग्रेस नेता है कपिल गर्ग। और इसी के साथ अब नाहन में पुलिस की प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि प्रभावशाली लोगों पर भी वो हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, नहीं डर रहे हैं। काला अंब थाना विधायक अजय सोलंकी पहुंचे, इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। SP सिरमौर मीणा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। और नाहन से इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, कांग्रेस नेता के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सिराज क्षेत्र के ओगली पंचायत के जलोग में 20 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास कार्यों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को और शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्रदान करना है। खबर के नौर से, जहां के निचार खंड में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायती राज उत्सव की अध्यक्षता की। इस मौके पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों को मजबूती से आगे बढ़ाने, सदस्यों को पंचायती राज कानून की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज सदस्य निडर होकर काम करेंगे तभी पंचायती राज संस्थाएं मजबूत हो पाएंगी।
और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 जे के साथ। नमस्कार।